किचन में काम आने वाले 16 महत्वपूर्ण टिप्स कीमती समय निकालकर अवश्य सुने। नंबर एक, अगर आप फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल रखना चाहती हैं और फ्रिज में जगह कम है, तो इसके लिए आप बॉटल्स को फ्रिज के सेल्फ में भी रख सकती हैं। आप बाइंडर क्लिप का भी यूज़ कर सकती हैं, इससे बॉटल्स एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। नंबर दो, आजकल लोग लहसुन को भी फ्रिज में स्टोर करते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसे भी किचन में ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्मी। नंबर तीन, आजकल लोग हर तरह के ऑयल को भी फ्रिज में स्टोर करने लगे हैं, जबकि ज़्यादातर ऑयल को बाहर रखना ही बेस्ट रहता है। हालांकि नट बेस्ड ऑयल को फ्रिज में रखना बेस्ट रहता है। नंबर चार, आटे में एक छोटी चम्मच चीनी डालकर आटा लगाने से पूरियां फूली फूली बनती हैं। नंबर पाँच, आलू को फ्रिज में रखने से कुछ समय इसमें बाद स्प्राउट्स निकल जाते हैं। आलू को हमेशा सूखे जगह पर रखना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्प्राउट निकलते हुए आलू खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। नंबर छः, दालों को कीड़े से सुरक्षा करने के लिए उसमें कैस्टर ऑयल की 3-4 बूंदें डाल दें। नंबर सात, दूध को उबालने से पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और फिर इसमें दूध डालें, इससे दूध बर्तन की तली में नहीं चिपकेगा। नंबर आठ, पकौड़ियाँ बनाते टाइम अगर उसका घोल में एक चुटकी अरारोट और थोड़ा सा गर्म तेल मिला दें तो फिर पकौड़ी ज़्यादा कुरकुरे व टेस्टी बनती है। नंबर नौ, पनीर अगर टाइट हो तो उसे चुटकी भर नमक मिले हुए गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए रखें, पनीर नरम हो जाएगा। नंबर 10, माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए आसान उपाय है, लेकिन जब इसमें आप रखना खाना गर्म करें तो इसमें प्लेट में चारों तरफ गोलाई में फैला लें और बीच में खाली जगह छोड़ दें, इससे खाना आसानी से जल्दी ही गर्म हो जाएगा। नंबर 11, यदि चाकू की धार कम हो गई है और चाकू ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप घर में ही मौजूद सिरेमिक कप के ब्रेक पैड को इस्तेमाल करें, उस पर चाकू को रगड़ें। ऐसा करने से आपका चाकू फिर से तेज धार वाला हो जाएगा। नंबर 12, राजमा या उड़द दाल की बनाने के लिए पानी में उबालते समय नमक नहीं डालें, जल्दी पकेगी, नमक डाल गलने के बाद डालें। नंबर 13, हरी सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए आप उन्हें प्लास्टिक बैग में एयर टाइट करके रखें, ऐसा करने से आपकी सब्जियां ज़्यादा समय तक ताज़ा रहेंगी। नंबर 14, यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको यह काम करना जरूरी चाहिए, किचन में 1 या 2 फीट की ऊंचाई पर बने कैबिनेट को अपने बच्चों के लिए कस्टमाइज कर दें। इसमें उनकी ज़रूरत के अनुसार स्नैक्स, इंस्टेंट फूड पैकेट्स, उनके टिफ़िन और बॉटल को रख दें। ऐसा करने से बच्चे आपका किचन फैलाएंगे नहीं और अपना काम खुद ही कर लेंगे। नंबर 15, फ्रिज को ज़्यादा देर तक खुला रखने से उसके कंप्रेसर पर लोड पड़ता है। एयर टाइट क्लियर बिन्स में सामान रखने से किसी भी चीज़ को ढूंढने में आसानी रहेगी और आपको ज़्यादा देर तक फ्रिज का दरवाज़ा खुला नहीं रखना पड़ेगा। साथ ही एयर टाइट डिब्बे में आपका सामान भी ज़्यादा दिनों तक चलेगा। नंबर 16, 3 से 4 खाने वाले रोलिंग कार्ट में अपनी सब्जियों को जमा लें। इसमें अलग अलग सेल्फ में आप आलू, प्याज, लहसुन और अदरक रख सकती हैं, जिससे ये सब्जियां किचन के प्लेटफॉर्म पर जगह ना घेरें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।